सो हेलो गाइस, मैं हूं प्रथम और आप लोग देख रहे हो प्रथम 9RTC यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं टाइगर बनाने वाला हूं, वो भी रंगोली में। तो गाइस, ज़्यादा कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि गाइस ये जो टाइगर की जो रंगोली है मुझे जल्दी फिनिश करनी पड़ेगी। और गाइस मैं इसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊँगा अलग से। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ रंगोली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही दे पाऊँगा आपको। तो ध्यान से आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो एंड तक देखना वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके से कलर ले लेने होंगे। तो वाइट और पीला दोनों को मिक्स करके लाइट पीला कलर बन जाएगा, लाइट येलो कलर। तो जैसा कि देख ही सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको मिक्स करना है। और पीला और ब्राउन दोनों को मिक्स करके ये लाइट ब्राउन कलर बन जाएगा। तो उसी प्रकार से ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर को भी मिक्स करना है। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली गाइस। और ये डार्क ब्राउन कलर और ब्लैक कलर दोनों को मिक्स कर देना है। तो गाइस, ये रंगोली मैं बाहर ओटले पर बना रहा हूँ और आज ही के दिन वाघ बारस है, तो आज के दिन ये रंगोली फिनिश करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम ब्लैक कलर लेंगे। तो टाइगर के जो भी पट्टे हैं उसमें हम कलर भर देंगे ब्लैक कलर से। तो ये बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा क्योंकि रंगोली के जो स्टोन हैं कहीं पर भी जाते हैं। और आप चाहे तो लकड़ी से भी इस तरीके से छोटा छोटा डिटेलिंग इस तरीके से आप कर सकते हो, छोटे छोटे स्टोन एक जगह पर कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मैंने कलर भी भर दिया है। तो कलर बहुत ही ध्यान से भरना है आपको, केयरफुली। तो इस तरीके से आप अब पीला कलर पर मैं ब्राउन कलर भी फिल कर रहा हूँ क्योंकि इस ऐसा करने से कलर की कॉम्बिनेशन होगी और टाइगर के जो रियल स्किन कलर है वो उभर के आ जाएगी, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो पीला कलर पर हम ब्राउन कलर भी कर सकते हैं। तो गाइस, ब्लैक कलर में पता नहीं कहाँ से, मतलब ऐसा इस तरीके से मैं कर रहा हूँ तो ये ठीक से गिर ही नहीं रहा है ब्लैक कलर, मतलब गीला गीला लग रहा है, पतला तो बहुत है ब्लैक कलर। इसके जो स्टोन है वो पतले तो है पर थोड़े गीले है। तो जब भी आप बड़े एरिया में रंगोली से अगर आप कलर भर रहे हो तो गाइस अपने हाथों को दूर ही रखना है। तो जितना आप दूर रखोगे जो कलर के जो स्टोन है ज़्यादा से ज़्यादा फैलेंगे, तो ऐसा करने से बड़े एरिया में आप जल्दी से जल्दी कलर भर पाओगे। अगर आप पतला वर्क कर रहे हो तो अपने हाथों को नज़दीक लाना है, नज़दीक से ही बनाना है छोटे वर्क। ब्लैक पट्टे मैंने बनाए हैं जो कि मैंने नज़दीक हाथ करके ही बनाए हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस मैंने इतना ही बताया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ यार चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने से गाइस मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे प्रेस कर देना।